हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सब कैसे फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी। गाइस, आज की जो वीडियो है आप लोगों की डिमांड पे होने वाली है। काफी सारे कमेंट्स मैंने देखे जिसमें आप लोगों ने मुझसे कहा, सर फ्रैक्टल बैंड्स की जो स्ट्रैटजी है वो क्या होती है, कस्टमाइज सेटिंग अवेलेबल है या नहीं, क्या हम इस स्ट्रैटजी को सारे प्लेटफॉर्म के साथ यूज कर सकते हैं और कौन से वो इंडिकेशन है जिस पे हम एंट्री पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे आ रही है वीडियो, सारी डिटेल्ड वीडियो है, पूरी डिटेल आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। लास्ट तक देखना, बिल्कुल मत भूलना वीडियो को, लाइक यार अभी कर दो, आगे बढ़ो लाइक करके। और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, बाइनरी ट्रेडिंग और फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हो, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, तो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। टेलीग्राम का जो चैनल है, नहीं ज्वाइन हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाओ। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। गाइज, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं समझ आ रहा कि कहां से आपको हेल्प मिलने वाली है, कौन सी एप्लीकेशन है जो आपको बताएगी बिगिनर से एडवांस लेवल पर पहुंचने के लिए आपको करना क्या है, तो भैया स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं टिकट ऐप, डाउनलोड कर लेना है आपको प्ले स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप कर सकते हैं। अब बताते हैं यार, ये एप्लीकेशन आपको हेल्प कैसे करने वाली है। अगर आप शेयर मार्केट में है तो आपको पता होगा कि शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस का कितना बड़ा रोल होता है। ये एप्लीकेशन उसी में ही आपको हेल्प करने वाली है कि कौन से प्राइजेस पे आपको शेयर्स बाय करने हैं और कौन से प्राइजेस पे, कौन से राइट टाइम पे वो जो शेयर्स हैं वो सेल करने हैं, तो ये उसी में हेल्प करती है। दूसरा जो इसका सबसे बढ़िया फीचर मुझे लगता है वो लगता है MMI का, यानी मार्केट मूड इंडेक्स का, जो आप इसके प्रो पैक में ले सकते हैं। यानी आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद ये जो फीचर है आप अनलॉक करा सकते हैं। यहां पे आप मार्केट की कंडीशंस को समझ सकते हैं कि फिलहाल जो बायर्स ज्यादा हैं या फिर सेलर ज्यादा हैं, किसका इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है मार्केट पे एंड आपको क्या करना है। चार इंडिकेटर के बेसिस पे आप ये चीजें कर सकते हैं। प्लस आप अगर इनके मेन स्क्रीन पे जाएंगे तो लर्निंग का भी एक ऑप्शन इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, स्टॉक्स और स्क्रीनर का भी है। ये सारे फीचर्स आपको अनलॉक होते हैं इस पर्टिकुलर ऐप के अंदर, हेल्पफुल है। देखो, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, फ्रैक्टल स्ट्रेटजी जो है, पहली बात तो मैं डिस्कस कर देता हूं आप लोगों के साथ, ये सिर्फ बायनमो में अवेलेबल है, सिर्फ बायनमो में अवेलेबल है। तो क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे इंडिकेटर वाला सेक्शन है, इसमें जाना है। चार्ट प्रेफरेंस तो दूर की बात आती है, पहले इंडिकेटर्स पे आते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी फ्रैक्टल स्ट्रेटजी, देखिए ये रही फ्रैक्टल बैंड्स की वैल्यू, इसकी ट्रू है। तो अभी फिलहाल हम कोई कस्टमाइजेशन नहीं करेंगे, ना ही कलर में और ना ही इसकी वैल्यू के साथ। सो गाइस, जैसे ही मैंने स्ट्रेटजी अप्लाई की है, ये चार्ट ओपन हो गया है, ये लाइव अकाउंट के साथ अभी हम लॉग इन है, ठीक है। तो अब इंडिकेशन कैसे मिलेंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है कि सारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा था, क्या कोई इसकी कस्टमाइज सेटिंग है, बिल्कुल नहीं है, अभी तक तो मुझे नहीं दिखी। और ज्यादा रिसर्च पे भी ये वीडियो नहीं है, लिमिटेड रिसर्च पे ये वीडियो है, ठीक है। तो अब किस तरीके से हम इसमें इंडेक्स जो है, इंडिकेटर जो है ये, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हमें मिलेंगे सिग्नल्स जिसको हम जो है एक तरीके से अच्छा सिग्नल बोल सकते हैं। तो भैया देखो क्या होता है सिनेरियो, यहां पे आपको एक कैंडल पे नहीं, दो कैंडल पे डिपेंड होना है। देखिए कैसे, देखिए जैसे ही आपको ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना, अब देखो ये बॉर्डर से नीचे दो कैंडल बनी, अब रेड कलर की एक कैंडल बन गई, बॉर्डर से नीचे दूसरी कैंडल जो है वो भी रेड कलर की बनी, तीसरी जो है वो भी रेड की बन रही है। लेकिन जैसे ही ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना आपको, इसको ये क्रॉस करती है ग्रीन कलर की कैंडल, एक कैंडल ने क्रॉस कर दिया, फिर दूसरी कैंडल भी ग्रीन कलर पे एंड होती है। ध्यान से सुनना यार गाइज आप लोगों को, बिल्कुल देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। जब एक कैंडल जो है वो रेड कलर की नहीं, वो ग्रीन कलर की यहां पे एंड होती है, मतलब जब एक कैंडल यहां पे आपको ग्रीन कलर की मिलती है, जो इसके जो लाइन है उसको क्रॉस करके अपवर्ड डायरेक्शन में आपको मिलती है, तो दूसरी कैंडल भी अगर आपको ग्रीन कलर की मिलती है और वो एंड हो जाती है ग्रीन कलर पे ही, तो आपको एक मिनट की ट्रेड लेनी है अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको कैसे सिग्नल मिलेगा, देखो यहां पर ये वाला जो है पकड़ के लेते हैं हम, तो यहां पर देखो एक कैंडल जो है इसने टच किया था नीचे की तरफ, तो रेड में फिनिश हुई थी, दूसरी जो है रेड में फिनिश हुई थी, जैसी दूसरी रेड में फिनिश होती है आप एक मिनट के लिए ट्रेड ले सकते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ऊपर से अगर नीचे की तरफ आती तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक मिनट के लिए या दो मिनट के लिए भी ले सकते हो। देखो स्ट्रैटेजी जो है, मैं हमेशा से आपको कहता हूं 100% कोई भी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी के साथ अपना दिमाग यूज करोगे तो ठीक ठाक प्रॉफिट यहां पर ले लोगे। ये जो बिजनेस है, ये जो मार्केट है, यहां पे अगर आप लॉस करते हो तो काफी लॉस हो जाता है आपका, जैसे कि 100% पैसा जाता है, और अगर आप प्रॉफिट लेते हो तो आपको 80% मैक्सिमम मिलता है, 80 to 80%। अगर आपका अकाउंट VIP नहीं है तो सोच समझ के यूज किया करो भैया दिमाग को, एप्लीकेशन वाले भी पैसा कमाने के लिए बैठे हुए, दिमाग को अच्छे से यूज करना है आपको। तो अब देखो यहां पर नीचे से ये कैंडल बनी ग्रीन कलर की, ये कैंडल जो है आपको ग्रीन कलर की नहीं मिली, लेकिन हल्के से रेड पे
खत्म हो गई, तो इस कंडीशन में हम ट्रेड ले सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो यहां पे एक कैंडल बनी रेड कलर की, दूसरी भी रेड कलर की बनी है, दो रेड कलर की मिल गई आपको इसको लाइन को क्रॉस करने के बाद। तो उसके बाद आपको यहां पे जहां पे ये फिनिश होती है, तो ये यहां पे फिनिश हुई ना गाइस यहां पे, तो इसके बाद आप एक मिनट की ट्रेड लोगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में या दो मिनट की लोगे, आप प्रॉफिट ही लेके जाओगे। ठीक है, अभी देखो कोई कुछ नहीं हमारे पास, इंडिक्शन कुछ भी नहीं है, तो हम इस करेंसी पे नहीं जाएंगे, कोई और करेंसी देखते हैं। देखो यहां पे इस करेंसी पेयर पे देखते हैं कि क्या है सिनेरियो। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ग्राफ को। नहीं, यहां पे तो फिलहाल हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, तो हम कोई और करेंसी देखते हैं फिलहाल। देखते हैं यूरो यूएसडी। ओके, ना यहाँ भी फिलहाल कोई सिग्नल नहीं है यार। बस स्ट्रैटजी के साथ यही प्रॉब्लम है आपको, बस वेट करना पड़ेगा सिग्नल्स का। आप चार पांच चार्ट जो है ओपन करके रखो। देखो यहाँ पे या वी गॉट द सिग्नल, वी गॉट द सिग्नल। सो अपवर्ड डायरेक्शन की एक मिनट की ट्रेड मैंने प्लेस कर दी, लगभग एक मिनट या डेढ़ मिनट के आसपास ट्रेड है मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में लिया। देखिए सो गाइस यहाँ पे मैंने कैसे ट्रेड लिया उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ। देखिए जूम मैंने कर दिया, देखो यहाँ पे एक कैंडल मिली आपको ग्रीन कलर की छोटी सी, जो कि इस वाइट कलर की ट्रेंड लाइन को क्रॉस करी है, हल्की सी क्रॉस की है जिसने। उसके बाद एक और आपको कैंडल मिली है, सो गाइस उसके बाद आपको एक और कैंडल मिली है ग्रीन कलर की छोटी सी। देखो ये मतलब काफी बड़ी कैंडल मिली है ग्रीन कलर की, तो दो कैंडल हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। और मैंने भी आपको जब कहा था, जब आपको दो कैंडल मिल जाती है नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में जब आपको दो कैंडल मिल जाती है ग्रीन कलर में, तो आपको करना क्या है, आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड जो है वो प्लेस कर देनी है। अगर ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आपको कोई दो कैंडल रेड कलर की मिल जाती है, अब यहां पे इस वाली लाइन को क्रॉस करके दो कैंडल आपको रेड कलर की मिल जाती है कॉन्टिन्यूसली, तो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करनी है। ठीक है, ये बेसिकली सिनेरियो है इस स्ट्रैटजी का, ये बेसिक सिनेरियो है। मतलब एक मतलब मैं क्या कहूँ, ये एक तरीके से इंडियन का जुगाड़ कह सकते हैं हम। मतलब ऐसा कुछ ये स्ट्रैटजी डिफाइंड नहीं है जो हमने मैंने आपको तरीका बताया, बट इसकी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर मैं इसके टेक्निकलिटी में जाऊँगा तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के समझने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की हमेशा से कोशिश करता हूँ। उम्मीद करूँगा कि कोई ऑफेंस नहीं होगा इस चीज़ से कि भाई आपने टेक्निकल टर्म्स में क्यों नहीं समझाया, आपने हमको आसान भाषा में क्यों समझाया, तो मुझे लगता है वो चीज़ नहीं होने वाली है। एक चीज बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बायनमो का, अगर आप एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहते हो बायनमो से, तो फिर आप उस लिंक से रजिस्टर कर सकते हो, अकाउंट बना सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अभी भी कहूंगा कि ट्रेडिंग में जो है रिस्क इन्वॉल्व होती है, फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हो तो ट्रेडिंग में हाथ मत ही डालो गाइस। अगर फाइनेंशियली कैपेबल हो, अगर आपको पता है कि लॉस होगा तो मैं हैंडल कर सकता हूं, और अगर मैं प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छी बात है, तो ही इस बिजनेस में एंटर करो, मेरा यही रिकमेंडेशन है। कभी भी मैं आपका लॉस नहीं चाहता यार, आई डोंट वांट योर लॉसेस। अगर आप एक रुपए का प्रॉफिट ले रहे हो दैट्स इनफ, मेरे लिए वो अच्छी बात है, बट अगर आप लॉस लेके जा रहे हो यहां से, दैट्स नॉट अ गुड थिंग यार गाइज। मार्केट को जानना बहुत जरूरी है, यहां पे लॉस करोगे आप जरूर करोगे, लॉस करने की कंडीशंस हैं, आप जरूर लॉस भी करोगे यहां पे, लेकिन अगर आप हैंडल कर सकते हो इवन दो, तब इस मार्केट में आओ, अदरवाइज आप मत ही आओ गाइज। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और गाइज एक चीज बताना चाहूंगा, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ यार नहीं हुए हो तो। थैंक यू सो मच गाइज।